साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई से खबर है, जिसमें बेटे के बदले बेटे वाला फॉर्मूला खास तौर पर अपनाया जा रहा है। बदले की आग दिख रही है और इस बार उद्धव ठाकरे के इस प्लान से मुंबई में खलबली मच गई है। ठाकरे ने खुलेआम चेतावनी दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल है। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को बचाने का यह आखिरी चांस है, आखिरी दम है और इसके बाद बवाल तय है, हंगामा भी तय है। बड़े प्लान की यहाँ पर पूरी पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा। बेटे के बदले बेटे वाला प्लान कैसे दे दी खुलेआम चेतावनी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार छटपटा रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ कोशिश नया करने की कर रहे हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अपनी तो ताकत बढ़े और विरोधियों की ताकत कम हो। इसके लिए अलग अलग तरीके के प्लान जरूर बन रहे हैं, मगर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए आदित्य ठाकरे यानी कि उद्धव के बेटे ही सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आदित्य ठाकरे के पुराने कारनामे और इस बीच हो रहे नए कारनामे लगातार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के लिए मुश्किलें बना रहे हैं। अब इसी को काटने के लिए, इसी का हल निकालने के लिए उद्धव ठाकरे ने बड़ा प्लान बनाया और ये प्लान है बेटे के बदले बेटे वाला। और हमला इस बार सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। अब पूरी कहानी समझिए। उद्धव ठाकरे 13 जनवरी की तारीख तय कर चुके हैं और तय किया गया है कि वो 13 जनवरी को कल्याण के दौरे पर जाएंगे और कल्याण में शिव सैनिकों से मिलेंगे, पार्टी को एकजुट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उद्धव ठाकरे ने कही है वो यही है कि हर हाल में कल्याण लोकसभा सीट को जीतना उनके एजेंडे में है। अब कल्याण से इतना प्यार क्यों, कल्याण सीट से इतना प्यार क्यों, तो वो भी समझिए। कल्याण सीट पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और यही वो वजह है। जी हां, उद्धव ठाकरे हर हाल में कल्याण सीट पर श्रीकांत शिंदे यानी कि एकनाथ शिंदे के बेटे को हराना चाहते हैं और इसीलिए 13 जनवरी से कल्याण दौरे का ऐलान किया है। आगे देखिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कल्याण सीट पर शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे के साथ ही बीजेपी और राज ठाकरे वाली मनसे की भी नजर है। जी हां, ये तीनों ही पार्टियां कल्याण सीट पर सांसद का चुनाव जीतना चाहती हैं। बीजेपी भले एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में हो लेकिन 2024 के चुनाव में कल्याण सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहती है और ये मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए बनी हुई है। और ऊपर से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के बेटे को हराने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं और इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कल्याण में डेरा डाल चुके हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे के लिए कल्याण सीट पर ट्रिपल अटैक हो रहा है, तीन तरीके से, तीन जगह से यहां पर हमला हो रहा है और कल्याण सीट पर चुनाव से पहले ही बचाना मुश्किल हो रहा है। और किसी तरह सीट पर चुनाव लड़ने में सफल रहे तो चुनाव में सीट बचाना भी मुश्किल होने वाला है। और ये सब कुछ हुआ है उद्धव ठाकरे के प्लान कल्याण से, ठाकरे के बेटे के बदले बेटे वाले प्लान से एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जब से आदित्य ठाकरे के खिलाफ बीजेपी और शिंदे गुट के हमले तेज हुए हैं और तब से उद्धव ठाकरे इसकी काट खोज रहे थे। कल्याण भी उनके टारगेट में था और फाइनली अब दांव खेल दिया गया है और बेटे के बदले बेटे प्लान को 13 जनवरी से एक्टिवेट किया जा रहा है। और उद्धव ठाकरे को पूरी उम्मीद है कि कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन हाँ, कल्याण में वो एकनाथ शिंदे के बेटे को चुनाव हरा देंगे और एकनाथ शिंदे को यहीं से बड़ी वाली पटकनी देंगे। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी भविष्य के गर्त में, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दावे बड़े कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, उद्धव ठाकरे का बेटे के बदले बेटे वाला प्लान कितना सटीक है और क्या इस बार एकनाथ शिंदे को पटकनी दे पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।